अकेला पीएम केयर फंड के लिए सोच रहे हैं, अभी सबका पैसा उसमें ही जाए, बाकी किसी को ना मिले। मैं समझता हूं पॉलिटिकल आंसर ना देके जरूर सरकार का मंत्री होते आंसर दे। आप पॉलिटिकल पूछोगे तो पॉलिटिकल जवाब मिलेगा माननीय सदस्य। थैंक यू स्पीकर साहब। करने का प्रयास किया है सर, देश में ऐसे उदाहरण आए जहां पर किसी ने अपनी पूरी पेंशन की कमाई, सर यहां तक कि लोग अगर मनरेगा में दिहाड़ी लगाते थे उस मनरेगा की दिहाड़ी का पैसा भी लोगों ने पीएम केयर्स में दिया, क्योंकि सेवा भाव के माध्यम से कि दूसरे को मदद मिल सके। सर ऐसे सैकड़ों उदाहरण देखने को मिले, लेकिन एक परिवार सर इस देश में ऐसा भी है जिन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन बनाकर केवल अपने परिवार का, अपने उसका खाते भरने का, और सर यही नहीं सर अगर आपको याद होगा इसी सदन में, सर मैं आपके माध्यम से एक बार फिर याद करवाना चाहता हूं, इसी सदन में इस पे चर्चा हुई थी कि राजीव गांधी फाउंडेशन के माध्यम से इन लोगों ने प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड को उसको भी प्राथमिकता नहीं दी, वर्षों तक राजीव गांधी फाउंडेशन को भरने का काम किया तो इस पार्टी ने किया। ये देखिए ये देश के लिए। और सर यही है, जब इनको चुभता है, इनको इसलिए चुभता है क्योंकि अब इनका खाता बंद हो गया है। राजीव गांधी फाउंडेशन में तो चाइना से भी पैसे लेने का काम किया सर, इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या होगा सर। ये इन लोगों को सुनना पड़ेगा सर। सर अब इनको दिक्कत आएगी इसमें, ये इसलिए सुनना पड़ेगा सर क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन से नीचे अलग अलग इतने खाते खोल दिए गए कि एक परिवार ने पूरे देश की अलग अलग कंपनियों से पीएससी से पैसा लेकर केवल अपनी फाउंडेशन में भरने का काम किया, इसलिए माथे पर हाथ रखकर कुछ लोग बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 263।